हेलो एवरीवन, यह है महिंद्रा की जीतो। इसकी इंजन वायरिंग है, अपने पास का डैशबोर्ड भी है। ये बॉस का ECM है, ये आपका बॉस का ECM, और ये फ्यूज है। एक रिले है, एक और 5 पिन की रिले, एक 40 एम्पीयर का फ्यूज। तो इसका बॉस ECM है मेरे पास, इसका पूरा सेट है मेरे पास। तो चाहिए रिक्वायरमेंट हो तो फ़ोन करना, यहाँ से हम जा रहे हैं। अभी मैं इसको पूरा पूरा दिखा दे रहा हूँ, अपनी वायरिंग के साथ मैच करना है। और हाँ, मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं सिर्फ इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ, अपने हिसाब से मैच कर लेना। इसका फ्यूज बॉक्स, ये ECM फ्यूज बॉक्स, एक माइक्रो रिले, स्टार्ट 5 फीट की स्टार्टिंग रिले, और एक 60 एम्पीयर 40 एम्पीयर का फ्यूज। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एक गुच्छा निकला हुआ है ऐसा, तो हम पहले इस वाले पे जाएंगे। देखो यहाँ जा रहा है ऐसे, इसमें एक एक्सलेटर पेडल की तार है, सॉरी टंकी की तार है, ये जो आपका फ्यूल मोटर की टंकी के पीछे लगेगा उसकी तार है, वो कपलर है। उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे आ रहा है ये डैशबोर्ड का जॉइंटर है, डैशबोर्ड का जॉइंटर है ये, और एक ये है। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं, यहाँ यहाँ से एक तार है, यहाँ से एक तार जो गई है, एक ये है और एक ये है। यहाँ से ये दो निकला हुआ है, एक ये है एक उधर है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकला हुआ है एक ऐसे, एक ये है सॉकेट, और एक ये अपना ये हो गया। यहाँ से एक और है, एक ये सॉकेट है, एक ये है और एक ये है, तीन हो गए अपने। और ये हम चौथा देख रहे हैं, ये EGR का सॉकेट है, बाकी सब में EGR बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं तो पता नहीं है, तो देख लेना एक बार क्या बोलते हैं इसको। ये हो गया अपना, ठीक, दो बच रहे हैं, एक ये है। उसके बाद थोड़ा एक यहाँ से एक ही निकला है, एक निकलने के बाद यहाँ दो हो गए हैं, दूसरे में एक ये सॉकेट है और एक ये है। क्वालिटी के लिए भी फिक्र रहना, ओरिजिनल क्वालिटी है, बुरा जैसा ओरिजिनल में रहता है एकदम सेम वैसा, तो क्वालिटी के लिए बेफिक्र रहना। मैं इसकी डैशबोर्ड की वायरिंग दिखाता हूँ आपको, ये इसकी डैशबोर्ड की वायरिंग है। इसमें फ्यूज लगे रहेंगे, मैं फ्यूज और कवर तो लगे रहेंगे। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक ये सॉकेट है, ये इसका इंजन वायरिंग का जॉइंटर, एक ये है, एक ये, एक ये, यहीं से एक निकला हुआ ऐसा। थोड़ा आगे जाते ही ये दोता कवर, यहाँ से इसके बगल में देख लो, एक ये निकला हुआ है ऐसा सॉकेट, यहाँ से एक निकला हुआ है ऐसे, एक ये है, एक ये है, एक ये। उसके बाद यहाँ से ऐसे जा रहा है, एक ये सॉकेट है, एक ये है, एक हेडलाइट सॉकेट है, एक और सॉकेट है। ये इधर वाली वायरिंग का हो गया, यहाँ से जो निकला था। अब इसके आगे थोड़ा सा आते ही एक ये है सॉकेट, और इसी में एक लंबा सा गया है, वो भी इसमें सॉकेट लगा हुआ है, और दो ऐसे निकले हुए हैं यहाँ पे, के है एक ये है। और आगे जाते ही ये इसका मीटर का सॉकेट है, तो यहाँ से ऐसे निकले हुए हैं दो तीन, एक ये हो गया आपका और एक ये है, जो वहाँ से वो निकला हुआ था, तो उसमें एक ये सॉकेट लगा है जो इसके यहाँ से निकला था, ठीक है, तो वो हो गया। एक ये सॉकेट है, दो हैं यहाँ से, एक ये हो गया आपका और एक OBD का हो गया। ये इसका एक्सलेटर पेडल का, एक्सलेटर पेडल का है ये। इसकी अगर कंप्लीट सेट चाहिए तो मिल जाएगा, अगर आप महिंद्रा का काम करते हो, जीते हो तो अपना मैक्सिमो सुप्रो, अगर इसकी वायरिंग चाहिए तो भी मिल जाएगी। एक बार नंबर पर फ़ोन करके बात कर लेना, इसका पूरा सेट मिल जाएगा। अगर मैक्सिमो सुप्रो उप्रो का काम है आपका तो वो भी मिल जाएगा।